हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है, आज है नए साल का पहला दिन, 1 जनवरी 2024। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो, साथ ही साथ इस वर्ष आप अपना एक सीट अचीव कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है यूपी पुलिस की तरफ से एंड एएसआई की पोस्ट के लिए। वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रहेगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो अगर आप भी इंतजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस में एएसआई की रिक्रूटमेंट कब आएगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। As I told you कि यूपी पुलिस में SI and ASI की न्यू रिक्रूटमेंट आई है। SI मतलब सब इंस्पेक्टर एंड ASI का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। टोटल पोस्ट की अगर बात करें, ओवरऑल 3 टाइप का आपका पोस्ट रहने वाला है। सबको कंबाइन करके टोटल सीट आपका रहेगा 921 सीट्स के लिए आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस किस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है। फर्स्ट है आपका एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, सेकंड है एएसआई क्लर्क के लिए, थर्ड है एएसआई अकाउंटिंग के लिए। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो एएसआई कॉन्फिडेंशियल मतलब जो गोपनीय शाखा होती है ना, उसमें एएसआई के लिए 268 सीट है, एएसआई लिपिक के लिए 449 है, एंड एएसआई अकाउंटिंग के लिए 204 सीट्स यहाँ पर आपका रहने वाला है। वहीं पर अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जो आपका फर्स्ट पोस्ट है एएसआई कॉन्फिडेंशियल के लिए, जनरल का 114 सीट्स, EWS के लिए 25, OBC के लिए 71, SC के लिए 54 एंड ST के लिए 4 सीट्स यहाँ पर रहने वाला है। वहीं पर हम लोग सेकेंड पोस्ट जो कि ASI क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए देखें, जनरल कैंडिडेट 186 सीट्स, EWS के लिए 43 सीट, OBC के लिए 120 सीट, SC के लिए 93 एंड ST कैंडिडेट के लिए 7 सीट यहाँ पर रहने वाली है। ASI अकाउंटिंग के लिए अगर बात करें तो जनरल का पोस्ट रहेगा 88, EWS का 19, OBC का 53 एंड SC के लिए 42 एंड लास्टली ST कैंडिडेट 2 सीट रहेगा। सो आई होप कि पोस्ट वाइज आपने देख लिया कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपका कब से कब तक अप्लाई होगा। तो स्टार्टिंग की जो डेट है वो है आपका 7th of Jan 2024, मतलब अभी से 7 दिन के बाद आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 28th of January 2024 रहने वाला है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर्म अप्लाई करनी है, जितनी जल्दी हो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, बाद में बहुत इश्यू वगैरह फेस करना पड़ता है सर्वर का। चलिए, अब जब फॉर्म अप्लाई करने की बात आ ही गई है तो ये भी जान लेते हैं कि अप्लाई करने में फी कितना लगेगा। ओवरऑल सारे कैंडिडेट के लिए ना 400 रुपीज फॉर्म की फी रहने वाली है। अगर आपसे फॉर्म भरते टाइम कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो करेक्शन का डेट 30 जनवरी यहाँ पर रखा गया है। चलिए देख लेते हैं एज की लिमिट कब से कैलकुलेट होगी। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st जुलाई 2023। मिनिमम एज 21 इयर्स, मैक्सिमम 28 इयर्स रहने वाला है। यहाँ पर एक क्लियरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई कर दिया गया है कि बॉर्न बिटवीन 1st जुलाई 1995 टू 1st ऑफ जुलाई 2002, जो भी कैंडिडेट इस बीच में जिनका जन्म हुआ है सब इलिजिबल है इसके लिए। रिलैक्सेशन मिलेगा EWS, OBC एंड SC ST को 5 इयर्स का रहेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो सिंपली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब 3 पोस्ट है, तीनों के लिए अलग अलग है। जैसा कि SI की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, ASI और जो क्लर्क के लिए है उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस टाइपिंग प्लस स्टेनो का आपको नॉलेज होना चाहिए। ASI अकाउंटिंग के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से, जिनका अकाउंट सब्जेक्ट है, वो अप्लाई करेंगे। सो आई होप कि आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज सबसे पहला रिटन एग्जाम होगा ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड OMR सीट पे। अगर आप जैसे कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो आपने अगर बिहार, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा कहीं से भी अप्लाई किया है तो आपको जो यूपी के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जो आपको सेंटर है प्रोवाइडेड, वहां पे जाके आपको पेपर देना होगा।
सेकेंड थिंग क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। थर्ड आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही साथ पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसमें रनिंग आपका होगा। लास्टली आपकी मेडिकल होगी, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज को आप कैसे क्लियर करोगे, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 200 क्वेश्चंस रहेंगे 400 मार्क्स के लिए। पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, टाइम विल बी 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो सबसे खुशी की बात यह कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो जो आप गलत करोगे उसकी वजह से आपके सही क्वेश्चंस का मार्क्स नहीं कट होगा। तो जिस क्वेश्चन पे आपको लगे कि नहीं मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, ये सही होगा कि गलत होगा, आप उसको भी मार्क करके आ सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। जनरल हिंदी एंड कंप्यूटर नॉलेज के 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए होंगे। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, सिंपली बोलूं तो मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए। लास्ट सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग, इसके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि ओवरऑल एग्जाम की पैटर्न को आप बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो डीवी होगा, उसके बाद पीएसटी एंड पीईटी होगा। तो आइए हम लोग पीईटी और पीएसटी को समझ लेते हैं। तो ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देती हूँ। हाइट जो होता है, मेल कैंडिडेट एसटी के लिए मिनिमम 156 सेंटीमीटर, अदर कैंडिडेट 163 सेंटीमीटर। फीमेल्स में एसटी का 145 सेंटीमीटर, अदर्स के लिए आपका 150 मिनिमम आपका यहाँ पर हाइट रिक्वायर्ड होगा। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स होता है, एसटी जो होंगे मेल उनके लिए 75-80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट रिक्वायर्ड है, अदर्स के लिए 77-82 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका पीईटी जो होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसमें रनिंग की टेस्ट होगी, उसमें फ्रेंड्स आपका 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल के लिए है, 28 मिनट में उनको कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग है और उनको 16 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। सो आई होप कि फिजिकल क्राइटेरिया भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जैसा आपको बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टाइम में कि जब सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दो पोस्ट के लिए ना एक और आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, डीवी के बाद आपका जो है टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा। ASI जो क्लर्क होंगे उनके लिए टाइपिंग होगा हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट का एंड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ASI अकाउंटिंग के लिए टाइपिंग का 15 वर्ड्स पर मिनट होगा। आई होप कि ये भी आप समझ पाए होंगे। और जैसा कि आपको बताया है कि इसके बाद क्या होगा, आपका पीईटी पीएचडी सब कुछ हो गया, फिर मेडिकल होगा, आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो ज्वाइन करोगे तो क्या सैलरी मिलेगी पोस्ट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपकी जो सैलरी होती है ना ASI कॉन्फिडेंशियल मतलब जो गोपनीय विभाग है उसके लिए 35,400 रुपीज से आपकी स्टार्टिंग होगी। एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेज हर साल जो सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी ना 1,12,400 रुपीज लेवल 6 की यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। वहीं पर अगर ASI कलर्क एंड अकाउंटिंग की बात करें तो दोनों का लेवल 5 का सैलरी है, स्टार्टिंग में मिलता है 29,200 रुपीज एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेज 92,300 रुपीज पर मंथ की सैलरी होती है। सो ओवरऑल इसका डिटेल मैंने आपको सब अच्छे से बता दिया है। आई होप कि आप भी इसको समझ पा रहे होंगे। कहीं पे भी कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो वहां से जाके आप डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड कर लेना। आप में मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज तीनों ही जगह फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाके वहां फॉलो कर लो। वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो ताकि सारी फ्रेश न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।